दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं प्रोडक्ट आपके सामने लेके आया हूँ वो है ये रेडमी का सोनिक बास वायरलेस ईयरफोन। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको इसके दो चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी कि इसका एक तो मैं रिव्यू करूँगा और जो हमारे यार दोस्त हैं जो यूट्यूब पे नए हैं और जो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं बट वो ज़्यादा फंड अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते एक्सपेंसिव माइक्स में, तो मैं उनको ये भी बताऊँगा कि इस ईयरफोन के थ्रू वो कैसे अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, तो आपको ये प्रोडक्ट अगर पसंद आए तो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दूंगा। तो चलिए आइए दोस्तों इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं और इसके रिकॉर्डिंग के फीचर्स के बारे में भी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों ये इसका बॉक्स आपके पास में इस तरीके का आता है, ये देखिए ये बैक से इस तरीके का लिखता है। अब दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका एक इस तरीके से नेक का बैंड के फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड होता है। यहाँ पे आपके दो मैग्नेटिक ईयर पीस प्रोवाइड होते हैं, मैं भी आपको क्लोजअप भी दिखा दूंगा इसका, और ये आप इस तरीके से पहन सकते हैं। इसकी दोस्तों फ़ायदा आपको ये रहेगा कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी के सेंस में मैं अगर इसकी वायर की बात करूं तो जिस माइक से मैं इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूं वो दूसरी कंपनी का है, उसकी क्वालिटी इसके कंपैरिजन नहीं है। खैर उसका भी एमआरपी 1200 के आसपास ही है बट उसकी क्वालिटी मुझे इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी हल्की लगी है। खैर उससे हाफ प्राइस का भी है, तो चलिए आइए मैं इसके बारे में आपको दिखाता हूँ भी। ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो स्विच दिख रहा है ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, और ये जो स्विच दिख रहा है ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल्स का स्विच है दोस्तों। तो और ये आपका जो माइक है ड्यूल माइक के साथ में आता है, यानी कि विद एनवायरनमेंट नॉइस कैंसिलेशन के साथ में ये आपका ड्यूल माइक प्रोवाइड होता है। इसका जो एक माइक है वो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, वो आपको इस तरफ है कहीं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। और जो दूसरा माइक है जो इसकी यहाँ पे एलईडी लाइट दे रखी है, देखिए दोस्तों मैं इसको ऑन भी करूँगा तो व्हाइट लाइट जलेगी, यहाँ पे एक एलईडी लाइट दे रखी है। एलईडी की लाइट के पीछे ही इसका दूसरा माइक भी दे रखा है। इसकी वॉइस क्वालिटी की बात कर लूँ दोस्तों तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको इस माइक को भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। बाकी अगर आपको इसकी वॉइस क्वालिटी और देखनी है और आपको ये भी देखना है कि ये एनवायरनमेंट की नॉइस को कैलकुलेशन कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो दोस्तों मैं मेनली कार के रिव्यूज भी डालता हूँ, आप उन पे भी गो थ्रू हो सकते हैं। उन रिव्यूज में जाके आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने काफी कंजेस्टेड रोड्स में भी ये वीडियोस बनाई है कार के रिव्यूज, तो उन कंजेस्टेड रोड्स में भी अगर कोई बहुत ज्यादा हैवी नॉइस नहीं है लाइक कोई विक्रम ऑटो वगैरह अगर आसपास से नहीं जा रहा है तो ये अच्छी खासी एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन कर लेगा। मगर काफ़ी पास से अगर कोई बस या कुछ ऐसा ही हैवी मशीनरी आपके आसपास से निकलेगी तो ये नेचुरल सी बात है कैच करेगा। बट यस 1100-1200 रुपए में रेडमी का आपको ट्रस्ट मिल जाता है और आपके पास में ये एक माइक आ जाता है, तो मेरे ख्याल से ये एक स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा माइक है। तो चलिए आइए दोस्तों मैं अब आपको वो प्रोसीजर बताता हूँ जिससे आप इस ईयर पीस से आप अपने रिकॉर्डिंग जो होती है आप आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों सबसे पहले आपने प्ले स्टोर खोलना है, प्ले स्टोर पे जाके आपने ब्लूटूथ मोनो सर्च करना है। तो देखेंगे ये ब्लूटूथ मोनो में आपका ये एक ब्लू, ये देखिए मोनो ब्लूटूथ राउटर ऐप करके ब्लैक कलर का ऐप ये आपके पास में आ जाएगा, इसको आपने अपने पास में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको ओपन करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद में आपने अपने जो मोबाइल का जो ब्लूटूथ है उसको ऑन करना है यहाँ से इस तरीके से, और अपने जो डिवाइस का ब्लूटूथ होगा आप उस डिवाइस के ब्लूटूथ को ऑन करिएगा। ये देखिए मैंने डिवाइस का ब्लूटूथ भी ऑन कर दिया है, तो चलिए ये देखते हैं एक बार मेरे ब्लूटूथ में वो रेडमी का ईयरपीस कनेक्ट हुआ है या नहीं। ये देखिए दोस्तों रेडमी का ईयरपीस कनेक्ट हो रहा है,
रेडमी का ईयरपीस कनेक्ट हो गया है, 70% बैटरी आपको दिखा रहा है। चलिए आइए फिर हम वापसी ब्लूटूथ में आ जाते हैं। वापसी ब्लूटूथ में आके यूज़ मोनो राउटिंग लिखा आ रहा है, आप इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो नीचे आके आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। मैं दूसरी कंपनी का बंद कर देता हूँ और रेडमी का यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ये इस तरीके से आपका कनेक्ट हो जाएगा और इसके बाद में आप जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो आपकी डायरेक्टली जो ईयरपीस है ईयरपीस से आप रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं। दोस्तों अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे होंगे वो मैं रेडमी के ईयरफोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप खुद जज कर लीजिए किस तरीके से मेरी वॉइस आ रही है। और मैं अगर बात कर लूँ इसके बैटरी बैकअप की, तो जनरली जब भी मैं इसका 100% चार्ज होता है और 2 से 3 घंटे इसको इस्तेमाल करता हूँ तो मैक्सिमम 10% बैटरी ही जाती है। मैंने पूरे दिन भी इसको इस्तेमाल करके देखा है तब भी 25-30% इसकी बैटरी बच जाती है। यानी कि रेडमी कंपनी ये कहती है कि कम से कम आप इसका जो प्लेबैक टाइम है वो आप 12 घंटे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपको पक्का 12 घंटे मिल जाएंगे और इसका स्टैंड बाई टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके आपको कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब इसमें काफ़ी अच्छी बैटरी दी गई है जो कि आप अगर फुल डे भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो आप इसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ज़रूर याद रखें। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका परचेजिंग लिंक डाल दिया है, तो आप जरूर इसको परचेज कर सकते हैं।